वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 19 फरवरी 2023। 19 फरवरी 2023 की जितने भी इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। और प्रत्येक विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त होती है। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो देखिए, अभी हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की शोध रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है, तो वो है उम्मीद कितनी है, 6.2%। देखिए, 6.2% रहने की उम्मीद है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, मुख्य तथ्य, मॉर्गन स्टैनली ने एक शोध रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.2% रहने की उम्मीद है। भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार भी भारत बन जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीडीपी दर 2024 तक कितनी रहने का अनुमान है, 6.2 रिपोर्ट की है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बात करेंगे दो नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL 2023 के शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा कर दी है। तो IPL 2023 शेड्यूल के अनुसार पहला मैच कब खेला जाएगा, तो पहला मैच खेला जाएगा 31 मार्च 2023 को, पहला मैच IPL का खेला जाएगा। देखिए, पहला मैच कहाँ खेला जाएगा, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। IPL 2023 शेड्यूल की शुरुआत 31 मार्च 2023 से अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस तथा चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, यहाँ पर पहला मैच खेला जाएगा 31 मार्च को, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो देखिए, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। तो हाल ही में केरल राज्य का कोल्लम जिले ने जो है पंचायत के लिए सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। देखिए, बात करते हैं मुख्य तथ्य की। कोल्लम जिला पंचायत ने 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है। कुन्नूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही है। देखिए, कोल्लम जिला भारत के केरल राज्य के 14 जिलों में से एक है। तो ठीक है, ये कहाँ पे है, कोल्लम जो जिला है वो केरल राज्य के अंदर है, वहीं केरल जो का जिला है कुन्नूर वो कहाँ पे रहा है, वो है दूसरे स्थान पर रहा है इस रैंकिंग के अंदर। तो ठीक है, तो ये पुरस्कार जीता है कौन सा, जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 कोल्लम जिले ने जीता है। आगे बात करेंगे चार नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो अभी हाल ही में स्पेन की सरकार ने क्या किया है कि यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित कर दिया है। तो देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। स्पेन की सरकार ने मासिक धर्म के गंभीर दर्द से पीड़ित महिलाओं को सवैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है जो किसी भी यूरोपीय देश के लिए पहला है। ये छुट्टी स्वीडन, जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया सहित कुछ मुट्ठीभर देशों में भी उपलब्ध है। आगे बात करते हैं पांच नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में AICTE यानी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRODऔर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 16 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय स्तर के हैथकॉन्ग, कौन सा हैथकॉन्ग लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कवच 2023 हैथकॉन्ग लॉन्च किया है राष्ट्रीय स्तर पर, किसको कम करने के लिए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा ये जो है कवच 2023 लॉन्च किया है। मुख्य तथ्य की बात करें, भारत की साइबर तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और 21वीं सदी के साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए के उद्देश्य से अभिनव विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करने के लिए 16 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय स्तर के हैथकॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे छह नंबर क्वेश्चन की।
हाल ही में BCCI के मुख्य चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में BCCI के मुख्य चयन समिति के अध्यक्ष थे चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं। BCCI के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने एक TV समाचार चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जहां उन्होंने टीम और चयन प्रक्रिया के बारे में आंतरिक जानकारी साझा की थी। चेतन शर्मा ने BCCI सचिव जयस है, अब देखिए BCCI के सचिव कौन है, जयस है को अपना इस्तीफा भेजा है, जिन्होंने स्वीकार भी किया है। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में यक्षगान भागवत बलिपा नारायण भागवत का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका किस संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है गायक व पटकथा लेखक है कौन, यक्षगान भागवत बलिपा नारायण। क्योंकि अभी हाल ही में CET के एग्जाम में निधन से रिलेटेड बहुत एग्जाम में जो है पूछे गए थे क्वेश्चन, क्योंकि ये इनका संबंध क्षेत्र से था। देखिए गायक और पटकथा क्षेत्र से। मुख्य तथ्य की बात करें, प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सिंगिंग के एक अनोखे अंदाज में महारत हासिल की, जिनकी वजह से फेस ने इसे बलिपा स्टाइल का नाम दिया था। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो वो कौन है, चीफ डेविड मालपास। ये आपको याद रखना है, चीफ डेविड मालपास ने जो है अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। देखिए मुख्य तथ्य की बात करें, विश्व बैंक के चीफ डेविड मालपास ने लगभग 1 साल पहले अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने हेड ऑफ डेवलपमेंट लेंडर के रूप में एक कार्यकाल समाप्त कर दिया। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, Washington DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, July 1944 में। आगे बात करेंगे, कल के क्वेश्चन दिया गया था वीडियो में, हाल ही में भारत व अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था चेन्नई के अंदर, 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था तर्कस का, भारत व अमेरिका दोनों के बीच में था। कल के वीडियो के लिए क्वेश्चन आपको, देखिए हाल ही में यूट्यूब के नए CEO के रूप में कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं। तो कल प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट में जवाब जरूर दें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो विद्यार्थी इंडिया करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और वहां से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इंडिया करंट अफेयर्स की 2022 की और जनवरी 2023 की, और PDF वहां पे फ्री मिल जाएगी। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।